गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। राइट नाउ मैं हूँ गाजीपुर में। मैं कल लखनऊ से गाजीपुर आया था। पूरे एक्सप्रेसवे को कवर करते हुए मैंने एक वीडियो और बना रखी है, अनदर वीडियो। मैंने इसीलिए बोला, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में मैंने कंप्लीट रिव्यू दिया है पूरे एक्सप्रेसवे का, कि कहाँ कहाँ पे वॉशरूम, रेस्ट एरिया, सारी चीज़ें बनने वाली हैं और उनका कितना काम हो गया है, कौन कौन से जिले से निकल के जा रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया। इस वीडियो में भी मैं देने वाला हूँ, बट इस वीडियो में मैं इतना कवर नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मैं यहाँ से अभी गाजीपुर से मैं दिल्ली जाऊँगा और मेरे जो घर का जो डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है। और इस वीडियो में मैं पूर्वांचल और आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे को कवर करूँगा और इनका थोड़ा बेसिक कंपैरिजन करूँगा कि कौन सा एक्सप्रेसवे कहाँ पे स्टैंड करता है। और बाकी कुछ नहीं है, मौसम ठंडा हो रखा है। अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, एक मिनट बच रही है। अभी गाजीपुर में हूँ। इस साइड है गाजीपुर, वहाँ से जो रोड आती है वो जाती है बक्सर, और बक्सर है बिहार में। और नितिन गडकरी जी ने क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ से गाजीपुर से जहाँ से ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है, यहाँ से बक्सर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। और बाकी कुछ नहीं है, बस अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। ये रहा पहला टोल प्लाज़ा इस एक्सप्रेसवे का, और अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये पहला टोल प्लाज़ा आता है, जैसे आप इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ोगे तो 7-8 किलोमीटर के बाद आपको ये मिल जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अभी जब फ्यूचर में जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जब आपकी गाड़ी निकलेगी तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और फिर आप जहाँ पे एग्ज़िट करोगे वहाँ से आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये पूरा ब्लैक टर्मैक है, डामर का बना हुआ है, और जो सीमेंटेड रोड्स जो है वो सिर्फ आपको टोल प्लाजा के पास मिलेंगी, 500 मीटर इधर और 500 मीटर उस तरफ। बाकी पूरे टाइम जो है रोड बहुत अच्छी बनाई हुई है, पूरी ब्लैक टर्मैक है और रोड बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को ओपन कर दिया। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वॉशरूम की, फूड प्लाजा की, वो अभी बन रही है, उनका कितना काम हो गया इस तरफ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे जब ये सारी चीज़ें आएंगी। बाकी जो रोड पे अभी काम इतना रह गया है कि ये जो मार्किंग होती है लेन मार्किंग, ये बहुत सारी जगह अभी इनकी मार्किंग होनी रह गई है, तो ये अभी काम रह गया है। बाकी बहुत सारी जगह जो स्टील की ये जो डिवाइडर होते हैं, मतलब बैरिकेटिंग होती है, ये अभी बननी रह गई है बहुत सारी जगह पे। बाकी बहुत सारी जगह अभी साइन बोर्ड लगने रह गए हैं, तो जो छोटा मोटा काम है वो रह गया, बट जो मेन काम था रोड बनाने का वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को ओपन कर दिया है। टोल प्लाजा से अप्रॉक्स 17-18 किलोमीटर के बाद पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेगा, और देखते हैं यहाँ पे कितना काम हो रखा है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या यहाँ पे भी अभी सिर्फ ज़मीन खाली पड़ी है। यहाँ पे काम तो चालू हो गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया का, बट बस अभी स्टार्टिंग की ही स्टेज में है, यहाँ पे बनेगा पूरा। और मैंने अभी जस्ट एक चीज़ नोटिस करी है जो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी, बट इस टाइम वो अपोजिट हो रखी है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 310, तो 310 का मतलब है अभी 310 किलोमीटर और बाकी है ये एक्सप्रेसवे। और कल क्या था, जब मैं लखनऊ वाली साइड से आ रहा था, कल जीरो से स्टार्टिंग हुई थी, तो उधर पता चल रहा था कि 107, 150, 180, तो जब ये वाले साइन बोर्ड आ रहे थे इसका मतलब था कि हम इतने किलोमीटर आ चुके हैं इस एक्सप्रेसवे पे। अब ये घटता चला जा रहा है कि 310.5, 310.4, तो ऐसे घटता चला जा रहा, तो इससे पता चल रहा है कि एक्सप्रेसवे कितना और बाकी है। अभी ब्रेक लिया है क्योंकि 200 किलोमीटर से भी कम रह गया है अभी एक्सप्रेसवे, और मैंने अभी ड्रोन उड़ाया था, तो आप लोग देखो ड्रोन के सारे शॉट्स जो मैंने अभी लिए हैं। मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ और बीच में कुछ दिखाने लायक होगा, वॉशरूम वगैरह की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जब 100 किलोमीटर के कम रह जाएगा एक्सप्रेसवे तब मिलते हैं। Thank you.
240 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है इस एक्सप्रेसवे पे, और अभी जो मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाए थे वो होप आपको अच्छे लगे होंगे। गाड़ी चल रही थी और मैं ड्रोन उड़ रहा था, और मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ जहाँ पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनने वाला है। और अभी यहाँ पे जो काम है बिल्कुल वो फर्स्ट स्टेज में, ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं हुआ है। वहाँ पे बोर्ड लग रहा है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जहाँ पे बनेगा। और पेट्रोल पंप से याद आया, इस पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको एक भी अभी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ना फूड प्लाजा मिलेगा, इसीलिए अपने साथ फ्यूल, फूड और वाटर कैरी करना इनफ। बाकी अभी जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया है 155 किलोमीटर करीब रह गया होगा, और टाइम हो गया है 11:54 हो गए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये मैं पहुंच गया हवाई पट्टी पे, जो इस एक्सप्रेसवे पे है 3.2 किलोमीटर लंबी। और यहीं पे जब उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी और योगी जी आए थे, और यहाँ पे 30 फाइटर प्लेन्स ने टच एंड गो किया था इस हवाई पट्टी पे। कौन कौन से 30 फाइटर प्लेन थे, जिसमें मिराज 2000 था, जैगुआर था, सुखोई था और AN-32 था। हाँ, ये सारे थे जिन्होंने टच एंड गो किया था, और उन्होंने हवा में इंडियन फ्लैग भी बनाया था। और मोदी जी जिस प्लेन से आए थे वो था हरकुलिस C-130J। बाकी और आप जैसे आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप इस हवाई पट्टी पे आ गए, क्योंकि ये है सीमेंटेड और बिना बीच में बैरिकेडिंग है ना, इधर बैरिकेडिंग है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप हवाई पट्टी पे आ गए हो। बाकी मैंने आपको ड्रोन शॉट से दिखाई दिया कैसी दिखती है हवाई पट्टी ये, और ये जो हवाई पट्टी है ये है सुल्तानपुर में। बाकी ऐसा अलग सा लग रहा है एकदम से, दोनों तरफ पिछले 250 किलोमीटर से डिवाइडर देखने की आदत सी थी, तो एकदम से ना इधर डिवाइडर है ना इधर डिवाइडर है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ मैं। आ गए हम वापस से ब्लैक टर्मैक पे, और 3.2 किलोमीटर कब बीत गई पता भी नहीं चला। बस 100 किलोमीटर और रह गया ये एक्सप्रेसवे, उसके बाद में मैं 10 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाऊंगा लखनऊ। मैं लखनऊ में CNG भरवा के फिर जाऊंगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और अभी बताता हूं मैं आपको ये जो एक्सप्रेसवे है कौन कौन से 9 जिलों से होके गुजरता है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होके गुजरता है, मैंने फोन में लिख रखे हैं क्योंकि 9 जिले एकदम से याद नहीं होते, और सीरीज से मैं बताऊँगा उस तरफ से बताऊँगा। पहला है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर जहाँ पे हवाई पट्टी थी, उसके बाद अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। तो मैं शायद राइट नाउ अभी अमेठी या बाराबंकी में होऊंगा, बाराबंकी, उसके बाद लखनऊ में एंटर करूंगा, उसके बाद CNG वगैरह भरवा के निकलेंगे। और अभी हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो अप्रोक्स खर्चा आया है वो है 23,500 रुपये का, जिसमें से 11,500 रुपये गए हैं किसानों को मुआवजे के रूप में, और 11,500 रुपये में ये एक्सप्रेसवे बना है। ये एक्सप्रेसवे UPDA ने बनवाया है, ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनवाया है, जो नितिन गडकरी सर के अंडर आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो ही है, और वो पूरे इंडिया में सड़कों का एक जाल बना रहे हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो लोग उन्हें हाईवे मैन बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये एक्सप्रेसवे जो है उन्होंने ही बनवाया है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे उन्होंने नहीं बनवाया है, ये बनवाया है UPDA ने, जिसकी फुल फॉर्म है
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और सेम यूपीडा ने ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी बनवाया था। एक्सप्रेसवे को ख़त्म होने में 63 किलोमीटर बाकी रह गए हैं और यहाँ पे बनेगा लखनऊ की तरफ का लास्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कितना काम हुआ है, कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस एरिया डिसाइड हो गया है कि यहाँ पे बनेगा। और वहाँ पे लग रहा भारत पेट्रोलियम का बोर्ड, मतलब यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप होगा और सारी चीज़ें होंगी, फूड प्लाजा वगैरह। और 63 किलोमीटर रह गए हैं अब एक्सप्रेस वे ख़त्म होने में, इसका मतलब अगला आगे तो कोई रेस्ट एंड सर्विस एरिया नहीं होगा, बट आगे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, टॉयलेट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि टॉयलेट ब्लॉक में क्या है, आपको सिर्फ वॉशरूम वगैरह मिलेंगे और क्या कहते हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपको फूड प्लाजा, वॉशरूम और पेट्रोल पंप मिलेंगे। तो देखते हैं 63 किलोमीटर के अंदर कोई टॉयलेट ब्लॉक है कि नहीं। जस्ट अभी एक टॉयलेट ब्लॉक गया है एग्जिट होने से 26 किलोमीटर पहले, और आप वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ही कर सकते हो क्योंकि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, और फ्यूचर में ही आपको गाजीपुर, आजमगढ़ इस साइड में, इस एक्सप्रेसवे के आसपास आपको बहुत डेवलपमेंट मिलने वाला है, क्योंकि उस इलाके के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डेवलपमेंट में। मैं अभी डायवर्जन की बात कर रहा था कि जो गाजीपुर से जो लखनऊ ट्रैफिक जा रहा है उसको इधर डाइवर्ट करते हैं बीच बीच में, और मुझे लग रहा था कि आज मेरा लक अच्छा है, मेरे को नहीं होना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मैं भी अभी रॉन्ग साइड चल रहा हूँ क्योंकि इधर डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उधर अभी काम बाकी है और डिस्टेंस रह गया है सीएनजी स्टेशन का मात्र 19 किलोमीटर, और आगे 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगा टोल प्लाजा। ये आ गया टोल प्लाजा। अगर आप गाजीपुर से आओगे तो यहाँ, और गाजीपुर से मतलब लखनऊ आओगे तो आपका पैसा यहाँ पे कटेगा। बस 1 किलोमीटर रह गया डिस्टेंस अपने एग्जिट का, और मैं यहाँ पे रुका हूँ इसकी एक फोटो खींचने के लिए, क्योंकि अब एक्सप्रेस वे खत्म हो जाएगा। फाइनली एग्जिट कर दिया इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। 341 किलोमीटर लंबा है ये, और अब ये पूरी सीमेंटेड रोड रहेगी अगले 8.4 किलोमीटर तक, जहाँ तक मेरा सीएनजी स्टेशन जो मैंने मार्क कर रखा है, और ये पुराने वाला रोड है जो बनारस जाता है। पहुँच गया सीएनजी स्टेशन, अब जल्दी से भरवाते हैं सीएनजी और फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। पहुंच गया एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और राइट नाउ टाइम हो रहा है 3:15, मतलब 3:15 हो रहे हैं, और जब मैं गाजीपुर में था तो वहां पे गूगल आंटी मेरे को कह रही थी कि आप लखनऊ पहुंचोगे 4:00, और मैं लखनऊ जल्दी पहुंच के लखनऊ को क्रॉस करके सीएनजी भरवा के वापस से एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुका हूं, और अभी ईटीए मेरा आ रहा है आगरा वाले सीएनजी पंप का 7:05 का। अब देखते हैं मैं वहां पे कितने बजे तक पहुंचता हूं। ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी। इसका डिस्टेंस तो मेरे को मालूम नहीं है कितना है, बट सेम है, बट इसमें ना बीच में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे डिवाइडर लगाए हुए हैं। एक्सप्रेसवे से नीचे आ रहा हूँ मैं भी, नीचे मतलब नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ रेस्ट एरिया, वॉशरूम यूज़ करने, एंड कुछ खाना होगा तो खा लूँगा। तो एक तो सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, उस साइड का भी सेम टू सेम ऐसे ही बना है और ये भी ऐसे ही बना है, सारा बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन है। इस एक्सप्रेसवे के बीच में ये जो डिवाइडर है, जो इसका साइज है, इसी साइज का जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिवाइडर है, मे बी शायद वो बड़ा हो सकता है, बट लोग कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो डिवाइडर है वो छोटा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, बट ऐसा नहीं है, ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है सच में। और इस एक्सप्रेसवे पे एक चीज़ और थोड़ी डिफरेंस है पूर्वांचल से, यहाँ पे मैंने पूर्वांचल पे मैंने आपको दिखाया होगा कि ये जो साइड में, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, अभी ये आएगा 700 और आगे आएगा 600 मीटर। तो इस पे क्या है, पूर्वांचल पे क्या आता है, जब किलोमीटर कैसे बताते हैं उस पे बताते हैं 105.9, 105.8,
इस पे बताते हैं 400-500 ऐसे करके, और फिर जब एकदम वो क्या कहते हैं किलोमीटर हो जाता है फिर उसका बोर्ड आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी 200, 100 और ये आ गया। अब ये एक्सप्रेस वे बचा है 142 किलोमीटर का, और लखनऊ से आगरा की तरफ जो है वो किलोमीटर घटते हैं, और आगरा से लखनऊ की तरफ जो किलोमीटर जो है वो बढ़ते हैं। पहुंच गए टोल गेट पे, अब कटवाएंगे हम अपने पेटीएम से 600 रुपये, क्योंकि 600 रुपये का टोल है यहाँ पे। चलो फिर टोल क्रॉस करके सीएनजी भरवा के मिलते हैं वापस से एक्सप्रेस वे पे। आ गया वापस सीएनजी भरवा के एक्सप्रेस वे पे। राइट नाउ टाइम हो रहा है 8:56। मैंने आगरा में 2 घंटे स्पेंड किए हैं, क्योंकि मैं 7 बजे आगरा पहुंचा था तो वो पीक टाइम था, सारे सीएनजी भरवाने पहुंच गए थे सीएनजी पंप पे, तो सीएनजी पंप पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। उसके बाद मैंने आगरा में डिनर भी किया, तो उस चक्कर में मेरे को पूरे 2 घंटे लग गए सीएनजी भरवाने में और डिनर करने में। अभी जो मेरा ईटीए आ रहा है वो आ रहा है 12:04 का। अब देखता हूँ मैं उससे बाद में पहुँचता हूँ या पहले पहुँचता हूँ, तो अब जल्दी से डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी बन गई होगी। तो जल्दी से पहला टोल आएगा सर्विस उसका, क्या बोलते हैं इसे, इनर रिंग रोड का, उसके बाद 3 टोल आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के, तो जल्दी से कवर करते हैं। पहला टोल तो आ गया, पहला टोल, सेकंड टोल प्लाजा और लास्ट टोल गेट पे भी पहुंच गए। 11:18 और मैंने यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और मैं नोएडा में एंटर कर चुका हूँ। फाइनली मैंने पूरा यूपी कवर कर दिया, यूपी के उस कोने से इस कोने पे आ गया, ईस्ट कोने से वेस्ट कोने पे, अकेले ट्रैवलिंग करके। शायद मैं पहला बंदा हूँ जिसने तीनों एक्सप्रेसवे एक दिन में सोलो ट्रैवलिंग करके कंप्लीट करे हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को लग रहा है शायद मैं पहला ही बंदा हूँ जिसने अकेले ट्रैवल करके तीनों एक्सप्रेसवे एक दिन में कवर किए हैं। और अगर मैं तीनों एक्सप्रेसवे का कंपैरिजन करूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ड्राइव करने में वो आया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उस पर अब रॉन्ग वे से ट्रैफिक नहीं आता है। रोड जो जो रोड का जो बीच का जो डिवाइडर है वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं अच्छे खासे, उसके बाद में जो लाइटिंग है वहाँ पे वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इन कारणों से मेरे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया ड्राइव करके। उसके बाद पूर्वांचल है, उसके बाद यमुना तो है ही अपना, और यमुना की सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगती है कि इस पे ना हर 30-35 किलोमीटर में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। और यमुना पे एक चीज़ और अच्छी है जो बाकी के जो 2 एक्सप्रेसवे हैं उन पे नहीं है, इसका जो डिवाइडर है वो सबसे चौड़ा है, बाकी के दोनों जो एक्सप्रेसवे हैं उनका भी इतना चौड़ा नहीं है जितना इसका चौड़ा है। और ये पूर्वांचल हो गया, और ये पूर्वांचल पे तो तभी आपको टॉयलेट ब्लॉक मिल रहे हैं जहाँ पे आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे वॉशरूम मिलेंगे। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपको सिर्फ 2 ही जगह वॉशरूम मिलते हैं, तो ये टॉयलेट ब्लॉक वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ वॉशरूम मिले, फूड वगैरह ना मिले, पेट्रोल पंप ना मिले, बट वॉशरूम तो मिलने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप लखनऊ आगरा से जाओगे लखनऊ साइड पे तो आपको पहला मिलेगा 120 पे या 100 पे मिलेगा, दूसरा मिलेगा फिर उसके बाद 120 पे, मतलब 225 पे एंट्री के बाद में। तो ये चीज़ है कि अगर आप फीमेल के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कोई फीमेल ट्रैवल कर रही है और उसको वॉशरूम जाना है, तो फीमेल को तो वॉशरूम होना चाहिए, इसलिए काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। जेंट्स तो तब भी एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के चले जाते हैं, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि, और पेट्रोल पंप का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेट्रोल पंप आपको 2 ही जगह मिलेंगे, बाकी अब ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अब आके, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी तक। हाँ, फाइनली पहुँच गया सेफली आराम से, तो इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर कोई बंदा है जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी अपडेट ऐसे प्रोजेक्ट्स की और दूंगा अभी फ्यूचर में, और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। और इसके बाद वीडियो आएगी मेरी ट्रिप की, जो मैं अभी गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गया था, क्योंकि उसके भी बहुत सारी वीडियोस रह गई हैं। और सॉरी मैं ड्राइविंग करते टाइम मैंने ज़्यादा बोला है, कैमरे की तरफ देख के कम बोला है, तो क्योंकि अब जल्दी से घर पहुँचना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम मैं आपको बता ही चुका हूँ, 11:21 हो गए हैं। तो बस इस वीडियो करते ही पे ख़त्म, गुड नाइट।